मनावर विधायक हीरालाल लालावा द्वारा आयोजित जैस महापंचायत में दूर दूर से हजारों वनवासी बंधुओं ने भाग लिया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में जैस द्वारा 80 सीटों पर टिकट लेकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया गया। जैस के एक अन्य गुट का भी शक्ति प्रदर्शन मनावर में आयोजित किया गया। दोनों जैस संगठन अपना अपना दम दिखा रहे हैं। इस महापंचायत में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जैस संगठन अब आदिवासियों के साथ साथ अन्य समाजों की भी बात कर रहा है। इस महापंचायत में आगामी दिनों में चाहे कोई भी परिणाम निकले, लेकिन तत्कालीन रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचना तय है। महापंचायत में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। कार्यक्रम में आगामी चुनाव में लड़ने के लिए शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने की भी बात वक्ताओं द्वारा की गई। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमने देश के 1500 के लगभग, इसमें 800 नोटिफाइड ट्राइबल है और 750-800 के लगभग नॉन नोटिफाइड ट्राइबल है, उनमें सबको एकजुट करने के लिए हमने जो अभियान चलाया उसमें से कम 1000 कम्युनिटी को हम एक कर चुके हैं। और हमारा मकसद है सबको एकजुट करना और धीरे धीरे सबको एकजुट करेंगे। अभी आने वाले 2023 में इसका रिजल्ट मिलेगा। आज इस महापंचायत में आपने एक झलक देखी है, पिक्चर हम 2023 में रिलीज करेंगे। ये 80 सीट पे जो आप खड़ा करने बोल रहे हैं, ये इसमें परिवर्तन हो सकता है? मध्य प्रदेश विधानसभा में नए युवाओं को 80 विधानसभा सीटों पर हम लोगों ने तैयारी करने की आज रणनीति का आगाज शुरू किया है, रणनीति का आगाज किया है। सीटें बढ़ भी सकती है, ऐसा कहीं नहीं कि 80 सीट फिक्स है। अभी हमारी तैयारी इसमें थी और आने वाले समय में और भी, जो जैसे आज की महापंचायत में ओबीसी महासभा जुड़ा, ओबीसी वर्ग का बड़ा जो धनगर समाज से लेके पाटीदार सिरवी समाज, सब समाज जुड़ा जैस महापंचायत में आया है। तो अगर ये सभी समाज साथ में आते तो निश्चित हम ऐसी सीटों पर भी जहाँ पर सामान्य वर्ग है और बाहुल्यता में हमारे सपोर्ट से जीत सकते हैं, तो हम लोग मिलकर